दोस्तों सीढ़ी जा रहे हैं हम लोग, और सीढ़ी जाने से पहले यहाँ वगैरह से पहले बहुत ही खूबसूरत होटल है, होटल सही हो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। वगैरह से पहले आता है, दिखाते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत होटल है। आप जा रहे हैं अहमदाबाद सूरत से सापुतारा सीढ़ी, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होटल है, होटल सही हो। पेट्रोल पंप भी है सामने, अगर आपको पेट्रोल फिलअप करवाना है तो। पहले आहवाडांग में ऐसा एक भी होटल नहीं था, अभी ये बहुत ही खूबसूरत होटल है सहयोग। देखिए मेन रोड पे ही है, और ये है अपना ग्रे पिजन जो यहाँ पार्क किया हुआ है। बहुत ही अच्छा और हाइजेनिक होटल है, आप यहाँ पे फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं, लंच डिनर ले सकते हैं। ये बहुत गुस्सा कर रहा है, इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। दोस्तों सबक सिखाया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो चलते हैं आगे। वांसदा वगई रोड पे स्थित है होटल सहयोग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सापुतारा, और सापुतारा से अभी जाएंगे सीढ़ी। सीढ़ी यहाँ से है 169 किलोमीटर दूर। तो सापुतारा पहुंचे अभी रात के 1:30 हुए है, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, ठंडा माहौल है, हिल स्टेशन है, अच्छा लग रहा है, दिखाता है आपको। यहाँ पे मॉनसून में सापुतारा हिल स्टेशन घूमने का कुछ अलग ही मजा है। आपने सापुतारा नहीं घूमा तो सापुतारा जरूर आए। हम लोग सापुतारा नहीं रुक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सीढ़ी, साईं बाबा के दर्शन करेंगे। तो देखिए ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री करते हैं जब हिल पे आते हैं तभी। सापुतारा हिल स्टेशन पे देखे मॉर्निंग में 1:00 है, फिर भी यहाँ पे बहुत ही पब्लिक दिख रही है। यहाँ पे घूमने का कुछ अलग ही मजा है, जरूर आए यहाँ पे आप सापुतारा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। और यहाँ पे सामने है लेक, सापुतारा लेक, जो अभी नहीं दिख रहा है, सामने ही है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं सीढ़ी में साईं बाबा मंदिर, और यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, और फ्रेश होने के बाद जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे होटल में जो रुके हैं वहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग के लिए अलग से हमने पार्क किया है कार, स्विफ्ट कार, उसके लिए 80 रुपीज़ दिया है यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको कौन सा है पार्किंग, मंदिर के सामने ही है, आपको दिखाते हैं। आप आते हैं तो आप अपना कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, कार पार्किंग एरिया। अगर आपको कार पार्क करनी है तो आप यहाँ पे मंदिर के सामने ही बना है, वहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं। सामने है मंदिर, ये है मंदिर, और ये है पार्किंग एरिया, प्राइवेट पार्किंग है। तो यहाँ से चलते हैं दर्शन के लिए। सुबह मॉर्निंग में 5 AM हुए है, अभी पब्लिक बहुत कम है, तो दर्शन हो जाएंगे आराम से। देखें यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे साईं बाबा के दर्शन करें आप। जय श्री साईं बाबा। अभी तक यहाँ पे शॉप्स भी ओपन नहीं हुई है, 1-2 शॉप्स ओपन हुआ है, बाकी सब बंद ही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे आप द्वारका माई के दर्शन कर सकते हैं, द्वारका माई के दर्शन के लिए लाइन है यहाँ पे। अभी तक मंदिर के द्वार ओपन नहीं हुए तो दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए श्रद्धालु। ये है द्वारका माई स्थल, जहाँ पे साईं बाबा रुके थे जब भी महाराष्ट्र में आए थे तभी। श्री साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था, और उनके माँ बाप ने उनको एक फकीर की झोली में डाल दिया था। श्री साईं बाबा का मूल नाम हरिभाऊ भुसारी था। साईं बाबा का जन्म 1838 में हुआ, और वो 16 साल की उम्र में सीढ़ी महाराष्ट्र में आए, और चीर समाधि में लीन होने तक यहाँ सीढ़ी में ही रुके। श्री साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 तक था। सीढ़ी में साईं बाबा का मंदिर श्री साईं बाबा के समाधि के ऊपर ही बनाया गया है, और ये साईं बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1922 में मंदिर का निर्माण हुआ। सीढ़ी साईं बाबा
ज्यादातर मराठी भाषा में ही बात करते थे। ये है दक्षिण मुखी रोकड़िया हनुमान जी मंदिर। श्री साई बाबा को भारत में एक महान संत के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है शिरडी साई बाबा अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। श्री साई बाबा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। शिरडी में साई बाबा को शिरडी साई बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें उनके भक्त सदगुरु संत एक फकीर और भगवान दत्तात्रेय और शिव के रूप में मानते हैं। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, महाराष्ट्र गुजरात भारत और भारत के बाहर से भी आते हैं। शिरडी साई बाबा के मंदिर के पास आ गए हैं हम लोग, वो जाएंगे दर्शन के लिए। और यहाँ पे आप फ्री एंट्री में जाते हो तो आपको 3 से 4 घंटा लग सकता है यहाँ पे। अगर आपको वीआईपी पास में जाना है तो वीआईपी पास के लिए 200 रुपया पर पर्सन ले रहे हैं यहाँ पे। और हैंडीकैप सब रहेंगे आपको तो अलग से गेट में जाने देंगे आपको, और वहाँ पे आपको टाइम ही लगेगा। तो 3-4 क्यू है यहाँ पे, और वो क्यू में आप फ्री में जाना है तो आपको 3 से 4 घंटा मिनिमम लगेगा। और वीआईपी पास में जाना है तो एक आदमी का एक पर्सन का लगेगा 200 रुपया। और 200 रुपये से आप जाओगे वीआईपी दर्शन के लिए तो आपका 15 मिनट आधा घंटे में दर्शन हो जाएगा। श्रद्धालु यहाँ पे देखे लाइन लग रही है क्यू में। देखो दोस्तों यहाँ पे सब लाइन में जा रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु आते हैं तो बहुत ही बड़ा लाइन रहता है यहाँ पे। आपको गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 ऐसा 3-4 क्यू है जहाँ से आपको दर्शन कर सकते हैं। और ये जो क्यू है, क्यू में जो श्रद्धालु यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पे हॉल से होके जाते हैं मंदिर में। सामने है हॉल जहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हर एक सुविधा उपलब्ध है श्रद्धालुओं के लिए, देख सकते हैं आप। मंदिर में मोबाइल फोन्स कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, आपको यहीं पे बाहर लॉकर में रख के जाना पड़ेगा। तो यहीं से देख सकते हैं आप मूवमेंट। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के लिए ये है रास्ता जो हॉल में होके जाके मंदिर में पहुंचता है। और गेट नंबर 3 जो है वो है हैंडीकैम और जो ओल्ड वृद्ध है उसके लिए है। आप यहां से जा सकते हैं गेट नंबर 3 से। और आपको मुख दर्शन करना है तो मुख दर्शन के लिए ये है रास्ता, यहीं से आपको मुख दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे है टाइमिंग लिखा हुआ, आरती का टाइमिंग है, नून आरती धूप आरती और सूर्य आरती। और यहाँ पे आप कर सकते हैं मुख दर्शन जो तकरीबन 30 से 40 मीटर दूरी पर रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। दोस्तों गेट जो है ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे द्वारका माई जी के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु, तो हम भी चलते हैं दर्शन के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कौन सा होटल हमने बुक किया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दे, साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे शिरडी में हम लोग 5 बजे सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे पहुँचे और ये जो होटल है
होटल तुलसी पाल। तो यहाँ पे हमने फ्रेश होने के लिए रूम लिया है और यहाँ पे ये बंदे है होटल तुलसी पान के प्राइस और यहाँ पे रहने के लिए मंदिर के ठीक सामने आपको दिखाते है। सामने जो दिख रहा है वो सामने ही क्यू है, वहाँ पे अपना फ्रेश होना है, जाना है वहाँ पे और रुकना है। और यहाँ पे होटल है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, 2 नंबर गेट के सामने है एग्जिट। तो कुछ बताएंगे? डबल बेड का मेरे पास रूम है, एसी नॉन एसी बट सब रूम है, फैमिली रूम भी है। जब आपको डबल बेड का रूम लेना हो तो 1500 रुपीज़ पर रूम एसी पर डे, और ट्रिपल का लेंगे तो 1800 पर डे, और 4 बेड का लेंगे तो 2200 पर डे ठहरे पे मेरा एसी रूम। बस नॉन एसी लेंगे तो 400 रुपीज़ लेस हो जाएगा उसमें सब रूम। ठीक है, आपने यहाँ पे प्राइस सुने, अभी करंट प्राइस ये चल रहे हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप 2 नंबर गेट के सामने रुक सकते हैं होटल तुलसी पान। यस, तो यहाँ पे हमने फ्रेश होने के लिए लिया तो 500 रुपीज़ समथिंग लिया 1 आवर के लिए। आपको अगर खाली रहेगा तो वो भी दे सकते हैं। तो ये जो भाई है संदीप नाम है। Yes. और बताएंगे कुछ मंदिर के बारे में आप। सर जी, मेरा मंदिर का पहला प्रॉपर्टी है बिल्कुल गेट नंबर 2 के ऑपोजिट, क्योंकि क्या यहाँ से बोल वॉकिंग है, यहाँ से आपको बोले तो कभी भी आपका लॉन्ग टाइम चलना ये डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरा होटल है वो बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मंदिर के ठीक सामने होटल है। आप आते हो कभी भी शिरडी तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मैं दे सकता हूँ, क्या है कॉन्टेक्ट डिटेल? कॉन्टेक्ट में विजिटिंग कार्ड आपको सर को दे देते हो, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल दे देंगे, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है संदीप भाई होटल तुलसी पार्क, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं तुलसी पार्क पूरा एडजस्ट करता हूँ। और मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, मंदिर का टाइमिंग कैसे रहता है? मंदिर का कैसे है, 4 आरती होता है दोपहर में 12 बजे, मॉर्निंग 5:15 को खाकड़ आरती होता है और एक सनसेट आरती भी होता है। तीनों आरती बोले तो 1 आवर बिफोर पहला आप जा सकते हो, 1 आवर पहले मतलब छोड़ देते हो। और रस कैसा रहता है? रस 12 घंटे साल भर में सैटरडे संडे क्यू रहता है बिफोर। सैटरडे संडे ज़्यादा पब्लिक रहती है यहाँ पे, नॉर्मल डेज में पब्लिक कम रहती है। ठीक है, मतलब आप आते हैं तो यहाँ पे सैटरडे संडे आएंगे तो पब्लिक ज़्यादा रहेगी, आपको टाइम मतलब लगेगा दर्शन के लिए कम से कम 3-4 घंटा लगेगा। और नॉर्मल डेज में आते हो आप मंडे से फ्राइडे तक तो कम दिन लगेगा, मतलब कम टाइम लगेगा। ये है होटल तुलसी पार्क जहाँ हम फ्रेश हुए। आप यहाँ पे आते हैं सिटी में तो स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ पे। ये है होटल तुलसी पार्क डिटेल। आप आते हैं यहाँ पे तो गेट नंबर 2 के सामने ही है होटल तुलसी पार्क। देखिए सामने है, देख सकते हैं आप क्यू। जैसे हमने जाना सैटरडे संडे और थर्सडे यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु रहते हैं, तो दर्शन के लिए आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। और आप आते हैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे और फ्राइडे को तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिए श्री साईं बाबा के, और आप आते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से जाए और कैसे दर्शन करें। तो उसके लिए नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगा कहाँ से हम आ सकते हैं और कैसे कर सकते हैं दर्शन इजीली, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ गेट नंबर 2 के पास। तो यहाँ पे आप दर्शन करें डिस्प्ले पे, और नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कैसे कहाँ से इजीली हम लोग कर सकते हैं दर्शन। कमेंट जरूर करें। जय साईनाथ। तो आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।